पंचकुला की सेक्टर 5 में धरना स्थल पर सहायक ड्राफ्ट्समैन का धरना 10वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसके चलते पिछले 5 साल से नियुक्ति की मांग कर रहे सहायक ड्राफ्ट्समैनों ने नियुक्ति की मांग को लेकर आज 10वें दिन से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान सहायक ड्राफ्ट्समैन के प्रदेश अध्यक्ष छत्रपाल कापड़ो ने बताया कि 9 जून 2014 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा शिक्षा के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 81 सहायक ड्राफ्ट्समैन की चयन सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा 81 सहायक ड्राफ्ट्समैन के नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए गए। सभी ड्राफ्टमैन लगातार 5 साल से विभाग और सरकार से नियुक्ति की मांग करते रहे हैं और बार बार हमें आश्वासन देकर धरने से उठा दिया जाता है। ये 5 साल के दौरान चौथा धरना है, लेकिन सरकार और विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की गई, इसलिए आज से आमरण अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमारा सिलेक्शन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा शिक्षा सभी मापदंडों पूरा करते हुए 9 जून 2014 को हुआ था। करीब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। और पीछे 2 दिन पहले हमने CM हाउस का घेराव किया था, जहाँ हमें एक आश्वासन मिला था कि आपकी जल्द उच्च अधिकारियों द्वारा मीटिंग करवा के आपकी समस्या समाधान करवाया जाएगा, लेकिन अब तक विभाग और सरकार ने ऐसी कोई ठोस कार्रवाई या फिर ठोस कदम नहीं उठाया जिससे हमें इस हमारी नियुक्ति मिल सके। इसलिए हमने रोष स्वरूप और हमने ये अल्टीमेटम भी सरकार को दिया था कि जल्द हम यदि हमारी ये नियुक्ति की जो कि हमारी एक जायज़ मांग है, यदि हमें नियुक्ति नहीं मिली तो हम अपने आमरण अनशन के साथ आमरण अनशन करेंगे। ये आमरण अनशन हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी नियुक्ति की मांग जो कि हमारी एक जायज़ मांग है ये पूरी सरकार नहीं करती, हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। सत्य खबर के लिए पंचकुला से उमंग शौरान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।